वेलकम टू जीएस एग्रीकल्चर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गुलाब में ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग हमें इस लकड़ी पर करनी है, यहाँ पे देखिए, और इससे हमें बड लेना है, इससे हमें बड लेना है और इस पर ग्राफ्टिंग करनी है यहाँ पे, जहाँ साफ जगह हो, बड ना हो कोई, यहाँ पर हमें ग्राफ्टिंग करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बड लेते हैं, इसमें से बड लेना है हमें, इसमें बड लेना है तो हमें बड को इस तरह लेना है, इसमें बड लेना है, इतनी साफ तरीके से लेना है बड कि यहाँ से बड लेना है। देखिए, यहाँ से बड लेना है, हैं, यहाँ से बड लेना, ये हो गया बड। इसकी अब सफाई करते हैं, इसमें जो भी वो बचा है इसकी हम सफाई करते हैं। ये बड है, इसको हमें ग्राफ्टिंग करनी है उस वाले लकड़ी में। तो कैसे करनी है देखिए, इसको इतना अच्छा से नुकीला बना ले कि उसमें आराम से लग जाए। इसमें हमें ये बड है, इसको हमें ग्राफ्टिंग करनी है उस लकड़ी पर, देखिए। तो अब क्या करेंगे, अब ये बड हो गया, इसको जहाँ लगाना है अब उस जगह पर क्या करना है, देखिए इस लकड़ी को निकाल देते हैं, ये लकड़ी नहीं होनी चाहिए इसमें, एक भी सफाई होनी चाहिए बिल्कुल, देखिए, ठीक है, ये बड हो गया, बड को यहाँ रख देते हैं। अब हमें ग्राफ्टिंग करनी है इस पे, वो भी यहाँ पे। तो एक हमें चाकू से भी कर सकते हैं, ब्लेड से करते हैं, यहाँ टी आकार का बनाना है, टी ऐसे करके इतना लंबा लगाना है कि इसमें फिट आ जाए, ठीक है। ये यहाँ हमें ग्राफ्टिंग करनी है, देखिए यहाँ हमें ग्राफ्टिंग करनी है और टी आकार का कट लगाना है, कैसा टी आकार का। फिर इस चाकू से इसमें जगह बनानी है जहाँ हम ग्राफ्टिंग करेंगे, देखिए यहाँ यहाँ लगाया और इस तरह से भी लगाना, इस तरफ से भी जगह बनानी है यहाँ पे, इस तरह सी जगह लगानी बनानी है, देखिए ये जगह बनानी है जो कि वर्ड इसमें अच्छे से सेट हो सके, तभी तो होगा। देखिए इसको इस तरह लगाएं, कट ये लग गया टी आकार का, देखिए ये टी आकार का लग गया है। अब हमें यहाँ वर्ड लगाना है, तो हमें ग्राफ्टिंग करनी होगी, यहाँ ग्राफ्टिंग करनी है, ठीक है। और इसमें से आपको ऐसे करनी है, देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इसमें हम नौ से भी, इसे हम फिर नौ से भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसी जगह बना सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, ठीक है, बन गई जगह, ठीक है। अब इस बड को लेते हैं हम, और बड को हमेशा बड की तरफ ही रखना, कांटे हमेशा इसके नीचे रहेंगे और इस बड को ऊपर रखना है, और इसको यहाँ पर ऐसे फिट करना है, इसको यहाँ पे फिट करना है इस तरह आपका सेट हो जाएगा बड, देखिए इस तरह। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पॉलीथीन लाएंगे, देखिए ये बड लग गया है। अब इस बड में या तो मोम लगा दें अगर कहीं सांस रह गई हो, या इस पॉलीथेन का प्रयोग करें, इस पॉलीथेन को इस तरह बांधें कि जो ये बड है ये खुला रहे, केबल ये और टाइट बांध, जिससे कि इसमें हवा ना पहुंच पाए। देखिए ये बड खुला रहना चाहिए, बड खुला रहना चाहिए और
ये बिल्कुल बंद रहना चाहिए। देखिए इसको इस तरह बंद कर दें, इस तरह बंद कर दें, ठीक है ना। इसको बांध देना चाहिए इस तरह, और इस तरह बांध देना चाहिए। इस तरह बांध देना चाहिए, देखिए ये बाड़ा, ये खुला रहना चाहिए और इसे बांध देना चाहिए। अब इसको इस तरह लगाना है, जहाँ भी ज़मीन पे लगाना है। ये हो गई आपकी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इससे संबंधित वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।